लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राजनाथ सिंह ने जवानों को लेकर दे दिया ऐसा बयान कि अगर आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। लखनऊ, मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कश्मीर मामले में स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम नहीं बल्कि ऑपरेशन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर आतंकी हमला करेंगे तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने सीज फायर नहीं किया है बल्कि यह सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, अगर आतंकी हमला करेंगे तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जवानों के हाथ बंधे हुए नहीं है। बता दें कि रमजान के महीने में केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर में सीमा पार ऑपरेशन पर रोक लगाई थी जिस पर काफी विवाद हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की घटनाएं भी बढ़ी जिस पर भारत ने भी जवाबी फायरिंग की। मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, 4 वर्ष में हमारी शानदार उपलब्धियां रही हैं। आजादी के बाद आर्थिक विकास बहुत धीमा था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में GDP 8 तक पहुंची थी। आज हमारी इकोनॉमी टॉप 7 में पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही गति रही तो आने वाले समय में भारत टॉप 5 इकोनॉमिक ताकत के रूप में उभरेगा। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार गंभीर, दाम जल्द नियंत्रित होंगे। राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि CM योगी ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। योगी सरकार ने गुंडों में दहशत पैदा की, आंतरिक सुरक्षा में भी अच्छी कामयाबी हासिल की है।